एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। चिखली कस्बे में मुंसिम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ खंड प्रथम श्रेणी न्यायालय खोले जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास को विधि एवं न्याय मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में एडवोकेट गजेंद्र कुमार, एडवोकेट सुरेश कुमार डामोर, रमेश चंद एवं सुरेश कुमार बामणिया ने चिखली कस्बे में मुंसिम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ खंड प्रथम श्रेणी न्यायालय खोले जाने की मांग की। इससे पूर्व 84 विधायक राजकुमार रोत को भी ज्ञापन प्रस्तुत कर चिखली में कोर्ट खोले जाने की मांग की गई थी। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के पास, एक चिखली पंचायत समिति है जो बरसों से इन्होंने, हमारे वकील साहिबों ने और बार एसोसिएशन ने जो मांग करी है कि भाई यहाँ पे कोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको दूर दराज जाना पड़ता है, डूंगरपुर जाना पड़ता है, सागवाड़ा जाना पड़ता है, गलियाकोट जाना पड़ता है। तो इनकी जो मांग है, हम सरकार से एकता समाचार के माध्यम से भी ये मांग आपके सामने रख रहे हैं। कल इन्होंने एमएलए साहब को भी एक ज्ञापन दिया, इसी विषय में हम आपको यहाँ के जागरूक वकीलों से हम रूबरू करवाते हैं, जो एक मांग बरसों से उठाते आ रहे हैं, अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इसी विषय में हमारे सामने है भाई सुरेश जी डामोर, जो हमें बताएंगे विशेष से जानकारी। पहले तो भाई साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बताइए आपकी क्या मांग है, बरसों से आप मांग करते आ रहे हैं, आपकी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है, और कल एमएलए साहब को आपने ज्ञापन दिया, तो बताइए आपने ज्ञापन में क्या दिया। चिखली कस्बे में यहाँ पे पहले ग्राम न्यायालय का आदेश हुआ था और कहीं न कहीं कोरोना की काल वजह से रुक गया था काम, ये हुआ नहीं था। सरकार को मांग कर रखी थी, तो कोर्ट का आदेश तो हुआ था पर स्वीकृत नहीं हुआ और ये काम अधूरा पड़ा हुआ। आज दिन तक कोई उसका पहले ये मांग उठाई थी साहब आप? पहले मांग उठाई तो थी पर कितने साल पहले उठाई थी? 2 साल पहले हुई है। तो उसका कोई समाधान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। और अभी क्या मांग रखते हो आप? अभी हम कोर्ट खुलवाने की मांग रखते हैं और कल ज्ञापन दिया था मेरा साहब को। ये जो परिसर बना हुआ है ये कोर्ट के लिए ही है? ये कोर्ट के लिए है, उप तहसील थी यहाँ पहले और यहाँ ग्राम न्यायालय की आदेश हुआ था। आगे करीम हमारे सामने है वकील साहब, आप बताइए आपका क्या नाम है? सर्वप्रथम मैं एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्यों हमारी मांग चिखली कस्बे के अंतर्गत 2 वर्ष पूर्व हमने कोर्ट की मांग करी थी और इस कोर्ट की मांग को देखते हुए संबंधित अधिकारी वक्त स्थान पर आए थे और निरीक्षण भी करके गए थे और पूर्व में ग्राम न्यायालय का आदेश भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश लैप्स हो गई और कैंप कोर्ट के लिए भी आदेश हुआ था, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। और हमारे यहाँ जनजाति क्षेत्र निवासी हैं, जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं और एक गरीबी क्षेत्र है, आर्थिक रूप से तंगी में जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं और यहाँ कुआं थाना पड़ता है, चित्री थाना पड़ता है और कुआं थाना के अंतर्गत और चित्री कुआं थाना के अंतर्गत 4 चौकियाँ पड़ती है इस, और यहाँ से कोर्ट लगभग सिमलवाड़ा लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और उधर सागवाड़ा देखे तो 35-40 लगभग इतनी दूरी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों को न्याय के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और सिमलवाड़ा कोर्ट और सागवाड़ा कोर्ट में न्यायिक मुकदमों की बहुत भरपाई पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ चिखली क्षेत्र के अंतर्गत थाना कुआं और चित्री थाने से अधिक मुकदमे जाते हैं और अभी भी वर्तमान में बहुत सारे मुकदमे विचाराधीन हैं। इसलिए हमारी सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग है कि पूर्व में हमने जो मांग रखी थी कि हमारे को न्यायिक कोर्ट दिए जाने की मांग हमारी जो पूर्व में रखी थी, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। तो आज हम एकता समाचार के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे चिखली क्षेत्र के अंतर्गत एक न्यायिक कोर्ट जेएम कोर्ट की मांग हमने पूर्व में भी करी थी और वर्तमान में भी कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः
एकता समाचार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने दूर दराज से आकर के आज हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।